मैम सुन ली, मुझे कभी भी समझ नहीं आता इनको आवाज़ पहचान में नहीं आती. अगर मुझे इस आवाज़ से कॉल आई तो पक्का पहचान जाऊंगी. दिख रही हूँ अब, दिख रही हूँ ऊपर जाती हूँ स्कूल जो ऊपर करना. मानसून की यही प्रॉब्लम है, एक तो बाल इतने झड़ रहे हैं यार. मतलब इस टाइम मेरे सर से ज़्यादा ना इस कमरे में बाल हैं यार, हद हो गई है. बंद हो गई. चलो हाय गाइस, आई एम कशिका, वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर मंथली फेवरेट्स एपिसोड. आज मैं करने वाली हूँ जुलाई फेवरेट्स एंड लेट जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कि 2021 के 7 मंथ्स निकल चुके हैं. अभी मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है. बात से ना मैं क्या करने वाली हूँ, जो मेरे मंथली फेवरेट्स होंगे ना मैं उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दूंगी, एज इन माई फेवरेट स्किन केयर, माई फेवरेट बॉडी केयर, माई फेवरेट हेयर केयर, इंस्टाग्राम स्टोर, बिकॉज आजकल मैं बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट कर रही हूँ. सो मैंने उस पूरे मंथ में जो मुझे अच्छा लगा होगा इंस्टाग्राम स्टोर, मैं उसको भी सीरीज के अंदर बेसिकली शाउट आउट दे दूंगी. सो दैट एक प्रॉपर कैटेगरीज बन जाएगी ना, तो आप भी माइंड में काफ़ी क्लियर रहोगे. प्रीवियस मंथली फेवरेट्स जो वीडियो है उनकी पूरी एक प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, सो चेक कर लेना. उससे पहले आपको पता है सब्सक्राइब बटन पे हिट करना है, बेल आइकन पे हिट करना है, एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्टिंग विद माई फेवरेट कैटेगरी विच इज माई फेवरेट एक्नी स्किन केयर प्रोडक्ट ऑफ द मंथ हैज टू बी दिस पर्टिकुलर सीरम. आई लव इट. आई थिंक दिस इज समथिंग जो मैंने आपसे इन्फ्लुएंस होकर लिया था. मुझे इतने कॉमेंट्स आते थे कि ट्राई करो, ये बहुत अच्छा है, यू विल लव इट. आई वॉज लाइक चलो ट्राई करके देखते हैं, बिकॉज फ्यूचर में मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जस्ट ऑन सैलिसिलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स. तो यही एक चीज थी जो मैंने अभी तक ट्राई नहीं करी थी, यह मिनिमलिस्ट का 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम. खाली इसके अंदर 2% सैलिसिलिक एसिड है और कोई एक्टिव नहीं है. आई लव इट. मैं इसको फुल मंथ का मंथली फेवरेट नहीं बोलूंगी बिकॉज ये 15 के बाद ही रिसीव हुआ था, लेकिन लास्ट 2 वीक्स में मैंने इसको जितना यूज किया है ना, आई फ्रिकिंग लव इट. बहुत अमेजिंग है. BHA होता है, अगर आपको नहीं पता सैलिसिलिक एसिड, ये डीप डाउन जाके सारे गम्स को निकालता है. ये क्लेम भी करता है दिस रिड्यूसेस एक्सेसिव ऑयल एंड ब्लैक हेड्स. बेसिकली अगर आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स के इशू है, व्हाइट हेड्स के इशू है, आप खाली इस पोर्शन पर भी सैलिसिलिक एसिड रात को लगा सकते हो. ये उसके ऊपर काफी अच्छे से वर्क करता है बिकॉज ये डीप डाउन जाके सारे गम को अच्छे से निकाल देता है. वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट मिनिमलिस्ट इज इनका जो बेस होता है वो होता है एलोवेरा बेस. अगर आपको एलोवेरा नहीं सूट करता तो फिर तो मिनिमलिस्ट का कोई सीरम मत लो. आई डोंट थिंक सो आपको सूट करने वाला है. मुझे एलोवेरा कंप्लीटली सूट करता है, सो आई हैव नो इश्यूज. आई थिंक दैट इज अ रीजन वाई कि ये ड्राइंग नहीं है. मैंने इससे पहले जो भी सैलिसिलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करे ना, वो मेरी स्किन को सुखा देते थे. इसको लगाने के बाद मुझे वो सूखी सूखी फील नहीं आती. दैट इज द रीजन वाई दिस इज द हीरो प्रोडक्ट. एक्ने पर काम करेगा, ब्लैक हेड्स पर काम करेगा, जो छोटे बम्स और कॉमेडाउंस होते हैं. बहुत कॉमेंट्स आते हैं कि हम मास्क पहनते हैं, हम यहाँ पे छोटे दाने हो गए हैं, तो सैलिसिलिक एसिड उस केस में भी ब्यूटिफुली वर्क करता है. सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. दिस हैज टू बी माई फेवरेट ऑफ जुलाई. My next favorite from skincare category has to be this Cures Mineral Sunscreen. मैंने इससे पहले वाला जो जून फेवरेट था उसमें आपको इसी ब्रांड की ऑरेंज वाली सनस्क्रीन दिखाई थी, जो है हाइब्रिड सनस्क्रीन. उसके अंदर केमिकल फिल्टर्स भी थे, बट रिसेंटली मैंने पूरे मंथ जो यूज़ करी है वो यही यूज़ करी है, बिकॉज पूरे मंथ मैं घर पे ही थी और घर पे मुझे केमिकल फिल्टर ना मैं अवॉइड ही करती हूँ. सो उस केस में ये मिनरल सनस्क्रीन एकदम परफेक्ट रहती है. मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी बिकॉज अभी जस्ट मैंने लास्ट वीक ही अपलोड करा है क्योर्स का रिव्यू. मैंने इसके अंदर 4 या 5 प्रोडक्ट्स इस ब्रांड के रिव्यू करे हैं, विच इंक्लूड दिस सनस्क्रीन, दैट सनस्क्रीन. मैंने दोनों के बीच में कंपैरिजन दिखाया है, कौन सी बेटर है, कौन सी अच्छी वर्क करती है. सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी. बट फॉर नाउ आई कैन डेफिनेटली से मेरा जुलाई का जो सबसे मोस्ट यूज स्किन केयर प्रोडक्ट था वो यही था, बिकॉज अभी मानसून में मैं इतना ज़्यादा ना मॉइस्चराइजर नहीं यूज़ कर रही. मैं सीरम लगाती हूँ, डायरेक्टली सनस्क्रीन लगा लेती हूँ एंड आई एम गुड टू गो. ये मॉइस्चराइजिंग है, इसके अंदर एलोवेरा है, इसके अंदर और भी अच्छे अच्छे एक्सट्रैक्ट्स हैं जो स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं. ये बिल्कुल भी अल्ट्रा मैट सनस्क्रीन नहीं है, ये एक अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज रखती है. दैट इज अ रीजन वाई I enjoyed it thoroughly in the month of July. Now coming to hair care category, personally July month में मेरे बाल ने मुझे इतना रुलाया ना, like the hair fall is extreme. मतलब I don't know, मुझे पहले लगा था मैंने just time vaccine लगवाई ना first dose के बाद, मुझे उसके बाद बहुत ज़्यादा hair fall होने लग गया था. So I'm still not sure कि vaccine से हो रहा है या फिर monsoon अभी चल रहा है. Obviously monsoon हर साल मुझे hair fall देता है, लेकिन इस बार तो इतना extreme hair fall है ना, मुझे नहीं समझ आ रहा है. मतलब literally इस time मेरे सर से ज़्यादा ना मेरे room में बाल है, because हेयरफॉल बहुत ज़्यादा है. बट स्टिल हमें अपने बालों का तो ध्यान रखना ही है. जो बच्चे कुछ अच्छे बाल हैं उसको तो हमें देखना ही पड़ेगा. सो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई सबसे पहला जो मेरा फेवरेट हेयर केयर प्रोडक्ट रहा है वो है ये नायका का शैम्पू. ये नायका का आंवला करी लीव शैम्पू. ये उनका सेकंड वेरियंट था, आई गेस फर्स्ट वाला था अनियन फेनुग्रिक वाला, वो मैंने पूरा खत्म कर दिया है. मैंने आपको शायद मार्च या फिर फेब के फेवरेट्स में भी दिखाया था. आई लव इट. ये फोम इतने अच्छे से होता है, स्कैल्प को इतने अच्छे से क्लेंस करता है, तो ओवरऑल वर्किंग इज अमेजिंग. बालों को ड्राई नहीं करता, स्मूदन रहता है हमारे बाल काफ़ी अच्छे तरीके से.
इसको मैंने जुलाई के ऑलमोस्ट हाफ तक यूज किया है. आई लव्ड इट. ऑनेस्टली कोई इतना ज्यादा मुझे कोई फर्क नहीं पता चला, मुझे दोनों एकदम सेम ही लग रहे हैं. खाली मुझे इसकी फ्रेग्रेंस हल्की सी बेटर लगी एज कम्पेयर टू द पर्पल वन. अदरवाइज आपको जो वेरियंट पिक करना आप कर सकते हो, लाइक वो अनियन फेनोग्रीक का हेयर ग्रोथ के लिए था, ये आंवला करीली उस वाला भी हेयर स्ट्रेंथ के लिए, बालों को अच्छा बनाने के लिए है. बाय द वे वाले जो शैम्पूज है ना, दे आर पैराबेन फ्री, SLS, SLES फ्री, क्रुएल्टी फ्री, 100% नेचुरल एक्टिव. ये SLS, SLES फ्री है, बट स्टिल ये इतना अमेजिंग फॉर्म होता है ना, आई डोंट नो हाउ, एंड दैट इज द रीजन वाई आई लाइक इट. मुझे वो जो नॉन फॉर्मिंग शैम्पूज होते हैं ना, आई हेट देम. मतलब वो फील ही नहीं आती कि बाल क्लीन हुए नहीं हुए. ऑनेस्टली इनके पूरे हेयर के रिजीम के अंदर जो नायका नेचुरल्स ने लॉन्च किया है, हेयर मास्क भी आता है, कंडीशनर भी आता है, बट शैम्पू इज समथिंग आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड. कंडीशनर मास्क मुझे ओके लगे, बट शैम्पू इज वर्थ गिविंग अ ट्राई. माय नेक्स्ट हेयर के फेवरेट इज दिस प्लम का ऑलिव एंड मैकेडेमिया हेयर मास्क. दिस इज मेगा मॉइस्चराइजिंग हेयर मास्क, काफी अच्छी क्वांटिटी का आपको टब मिल जाता है. सो मैंने लास्ट ईयर वीडियो अपलोड करी थी बेस्ट हेयर मास्क अवेलेबल इन इंडिया, वो जाकर देख सकते हो. मैंने बहुत सारे उसके अंदर रिकमेंडेशन डाले हैं, उसमें मैंने ये वाला भी फीचर किया था, और उस टाइम मैंने इसको आई गेस थोड़ा सा यूज़ किया था, लाइक दो या तीन बार टेस्ट किया था चेक करने के लिए कि ये रिजल्ट कैसा देता है, ताकि मैं वीडियो में अच्छे से समझा पाऊँ सबके डिफरेंसेस. सो उसके बाद मैंने इसको उठा के रख दिया, और फिर आई डोंट नो मैं इसको रीच आउट नहीं करती थी, ट्राई नहीं करती थी. अब अगेन मैंने प्रीवियस मंथ इसको यूज़ करना स्टार्ट किया, एंड आई फ्रिकिंग लव्ड इट. इट इज़ मेगा मॉइस्चराइजिंग, बहुत अच्छा. इसका एक थिक थिक सॉर्ट ऑफ टेक्स्चर है. आप अच्छे से इसको बालों में स्प्रेड करो, बालों को अच्छे से स्मूथन आउट कर देता है, ओवरऑल बालों को बहुत अच्छे से नरिश रखता है. द ओनली थिंग इज़ द फ्रेग्रेंस. मतलब इट्स नॉट समथिंग प्लीजिंग वाली खुशबू नहीं है इसकी, हल्की सी मुझे वियर्ड फील होती है, बट नेवर माइंड, ये काफ़ी अच्छे से बालों पे वर्क करता है. ऑल्सो वाला जो हेयर मास्क है ना, दिस इज फॉर केमिकली ट्रीटेड हेयर एज वेल. सो अगर आप कोई वीगन केमिकल फ्री सॉर्ट ऑफ हेयर मास्क ढूंढ रहे हो, बिकॉज आई थिंक दीज आर ऑल्सो पैराबेन SLS सॉर्ट ऑफ फ्री होते हैं वाले हेयर मास्क भी प्लम के, आप डेफिनेटली वाला ट्राई कर सकते हो. अगर आपने कोई भी तरह का हेयर कलर ट्रीटमेंट एंड ऑल करवाई हुई है, यू विल लव इट. मैंने इनके शैम्पू कंडीशनर नहीं यूज़ किए, सेम ऑलिव एंड मैकेडेमिया रेंज का शैम्पू कंडीशनर भी आता है, मैंने नहीं यूज़ किया. अगर आपने यूज़ किया मुझे नीचे कमेंट से जरूर बताना कि कैसा है, सो दैट मैं भी फिर उसको टेस्ट करके देखूं. बट फॉर दिस मास्क आई कैन डेफिनेटली से इट इज वर्थ एवरी पेनी. कमिंग टू मेकअप कैटेगरी, माय फेवरेट लिप शेड ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई हैज टू बी दिस पर्टिकुलर वन. यस, स्विस ब्यूटी की HD मैट लिपस्टिक इन द शेड 09 क्यूट न्यूड. आपने मेरी पूरी प्रीवियस जुलाई मंथ की जितनी वीडियोज देखी है जिसके अंदर मैंने ब्राउन टोन सॉर्ट ऑफ लिपस्टिक लगाई हुई है ना, वो यही होगी, बिकॉज आई लव्ड इट. अगर आपने मेरा स्विस ब्यूटी का डेडिकेटेड रिव्यू नहीं देखा, मैंने उनके अंदर इसके सारे आई थिंक 30 शेड से मैंने सारे स्वॉच करके दिखाए हैं, वो जाकर देख सकते हो. उसके अंदर मेरा फेवरेट मॉव ब्लश भी था, जो मैंने प्रीवियस मंथली फेवरेट्स में आपको दिखाया था, बट दिस समथिंग आई लाइक इट. मैंने उस रिव्यू में बोला था कि मुझे इतना पसंद नहीं आया, वॉश ऑफ हो रहा है, आई डोंट नो, मुझे उस टाइम इतना वाव नहीं लगा, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे मैंने इसको लगाना शुरू किया, आई लव इट. सो दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक. बहुत प्यारा ब्राउन टोन न्यूड सॉर्ट ऑफ शेड है, और ये वाला जो न्यूड कलर होता है ना, ये हमारे डस्की इंडियन स्किन टोन पे बहुत प्रिटी लगता है. दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल. नॉट जस्ट डस्की स्किन टोन, ऐसा वाला शेड आई थिंक सारी स्किन टोन को फ्लैटर करने वाला है. सो आप इजीली इसको ले सकते हो. आई लव इट विद वेस्टर्न क्लोथ्स, बिकॉज काफी बार वेस्टर्न पहनना समझ नहीं आता कि रेड टोन में जाएं, पिंक टोन में जाएं, तो ऐसा ब्राउन टोन एकदम परफेक्ट जाता है. द ओनली कॉन ऑफ दिस लिपस्टिक इज द पैकेजिंग. इनका जो मैग्नेटिक क्लोजर है ना, वो इतना गंदा है ना, इट इज नॉट रिलायबल. आप इसको कैरी नहीं कर सकते, बिकॉज ये इतना ज्यादा स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग नहीं है. इन्होंने हुडा ब्यूटी कॉपी करी है बेसिकली. ये लिपस्टिक ही जो पूरी रेंज है ना, इट इज लाइक अ ड्यूप ऑफ हुडा ब्यूटी मैट लिपस्टिक, बिकॉज वो भी सेम इसी पैकेजिंग में आती है, फॉर्मुला भी इनका सेम है. माय नेक्स्ट फेवरेट इन द मेकअप कैटेगरी इज दिस फिट मी फाउंडेशन विद क्ले. सो ये वाला जो वेरिएंट है, ये वो बॉटल वाला वेरिएंट नहीं है, डिफरेंट है. दिस इज विद क्ले समथिंग, सो ये और ज्यादा मैटिफाइंग इफेक्ट देता है. दिस हैज मैटिफाइंग क्ले फॉर अ शाइन फ्री लुक. नेचुरल स्किन टोन को मैच करता है. सीमलेस फिनिश. UVB प्रोटेक्शन इसमें लिखा हुआ है, बिकॉज इसमें SPF 22 है, वो हम बात नहीं करेंगे. SPF हमें अलग से लगा लेनी चाहिए. बट फॉर मी आई थिंक इट इज रियली नाइस एज अ BB क्रीम. एक तो अफोर्डेबल है, 299 का आता है, आपको और डिस्काउंट पे मिल जाएगा. प्लस ये कवरेज भी ठीक ठाक देता है, लाइक BB क्रीम सॉर्ट ऑफ एक कवरेज आती है, बिकॉज अब मैं ना फुल कवरेज फाउंडेशन यूज करती हूँ, तो ऐसे वाले फाउंडेशन ना मुझे थोड़े से मजाक लगते हैं, इतना फुल कवरेज नहीं आता. लेकिन कभी कभी नहीं मन करता बहुत हैवी कवरेज लगाने का, सो उस सेंस में इट इज परफेक्ट. अगर आप कॉलेज गोइंग हो, ऑफिस गोइंग हो, आपको हल्की फुल्की कवरेज चाहिए, एट द सेम टाइम स्किन पर लाइट फील हो रहा है, हैवी फील नहीं हो रहा, ऑयली नहीं फील होता, इतना ग्रीसी भी फील नहीं होता. सो ओवरऑल दिस इज रियली नाइस. मुझे वो बॉटल वाला मैंने शायद कॉलेज टाइम पर यूज किया होगा, मुझे तब उससे कॉमेडाउन हो गए थे, तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था. बट दिस इज समथिंग आई लाइक इट. इससे मुझे आज तक कुछ कॉमेडाउन का इशू भी नहीं हुआ. So you can definitely try it.
Coming to body care, my number one favorite in the body care category has to be this E-Clat Glow Tonic Exfoliating Facial Toner. अब आप बोलोगे facial toner है body care कैसे हो गया? मैंने ना इसको एक बार try किया था face के ऊपर, मुझे नहीं पसंद आया personally. एक तो fragrance थोड़ी सी overwhelming लगी, plus इसके अंदर जो भी AHA, BHA sort of, I won't say BHA like glycolic acid, lactic acid, ये मुझे हल्के से ना strong लगे, because अब मैं serums के अंदर ही exfoliants use कर लेती हूँ, तो मैं अलग से toners अब इतना use नहीं करती. But I used it for my body. अगर आपको नहीं पता, जो ऐसे ग्लाइकोलिक एसिड लैक्टिक एसिड बेस्ड टोनर्स होते हैं ना, आप इनको अंडर आर्म्स, एल्बोज, नीज पर यूज कर सकते हो, बिकॉज इन एरियाज में काफी ज्यादा डार्कनेस होती है, पिगमेंटेशन होती है, सो ये उसको भी हल्का सा फेड आउट करने में, लाइटन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. प्लस वाले एरिया को अच्छे से एक्सफोलिएट भी कर देता है. आप पूरी लेग्स और हैंड्स को भी यूज कर सकते हो. अगर आपको लेग्स पर इनग्रोन्स के इशू है, तो एक्सफोलिएटिंग टोनर्स होते हैं ना, ये काफी हेल्प करते हैं. द बेस्ट थिंग स्प्रे फॉर्म में आता है, ऑब्वियसली एक्सफोलिएटिंग टोनर को फेस पे स्प्रे करने का कोई सेंस नहीं बनता, आईज में चला जाएगा, लेकिन आप बॉडी पे इजिली स्प्रे कर सकते हो. सो मैंने इसको पूरे जुलाई मंथ में अपने अंडरआर्म्स में स्प्रे किया. एक तो फ्रेग्रेंस हल्की सी है ना, तो एक घर वाला डिओड्रेंट का काम हो जाता है. बाहर तो अब जाते नहीं, तो हल्का फुल्का अच्छी खुशबू भी आ जाती है, बट एट द सेम टाइम ये बॉडी को एक्सफोलिएट भी करता है. मैंने हल्का सा फर्क देखा अपने अंडरआर्म्स में. ऑब्वियसली अभी एक मंथ हुआ है, जब मैं इसको और आगे यूज करूंगी तो और अच्छे से पता चलेगा. इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, कशिका 20 ऑन E-Clat वेबसाइट. मैं नीचे डिटेल्स डाल दूंगी, उससे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा. इनकी फ्लैट 40 वाली सेल खत्म हो चुकी है, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट किया था. अगर आप नहीं फॉलो कर रहे, आपको फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज जो ऐसी डील्स आती है ना, मैं इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पर भी बता देती हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम इज मोर कन्वीनियंट फॉर यू गाइस. नाउ सिंस बॉडी केयर एंड ग्रूमिंग की बात हो रही है, सो फ्रेग्रेंसेस की भी बात कर लेते हैं. सो दिस ब्रांड रीच्ड आउट टू मी इन दिस पर्टिकुलर मंथ. दिस इज सेंट AK, इनका इंस्टाग्राम हैंडल है, एंड द ब्रांड इज AK एंटोनियो क्रूज फ्रांस. बेसिकली आई होप आई एम प्रोनाउंसिएटिंग द क्रूज वर्ड राइट. सो ये बेसिकली फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं, और ये इंटरनेशनल ब्रांड है फ्रेग्रेंसेस की, जो अब इंडिया आ चुकी है. द बेस्ट पार्ट इज इनके टेस्टर्स आते हैं, एंड देन यू कैन बाय फुल साइज एज वेल. और इन्होंने मुझे कोड भी दिया इनकी वेबसाइट के लिए, सो आप यूज कर सकते हो कशिका 10 फॉर एक्स्ट्रा 10% ऑफ. सबसे पहले इन्होंने मुझे ट्रायल्स भेजे थे, जो कुछ इस तरह से आते हैं. यू गेट 2 ट्रायल्स राइट इन हियर, जो कुछ इस तरह से दिखते हैं. सबसे पहले ये वाला था मेरे पास, मस्की AK029, इसकी मस्की फ्रेग्रेंस है. हर फ्रेग्रेंस के बारे में जो डिटेल्स है ना, आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएंगी, कि उसके अंदर नोट्स कौन कौन से हैं, फ्रेग्रेंस कैसी आती है. सेकंड इज रॉयल ऊद, इसकी फ्रेग्रेंस काफी अच्छी है. सो ये बेसिकली टेस्टर्स आते हैं. सो आप कोई भी टेस्टर्स इनकी वेबसाइट से खरीद सकते हो एट वेरी लो प्राइस, और फिर अगर आपको लगता है कि आपको परफ्यूम पसंद आया है, देन यू कैन बाय द फुल साइज वन, विच इज अ रियली नाइस कंसेप्ट, बिकॉज परफ्यूम एकदम महंगा लेने का कोई सेंस ही बनता अगर आपको फ्रेग्रेंस के बारे में आप श्योर नहीं हो. सो पहले आप टेस्टर ले सकते हो, एंड देन यू कैन बाय द फुल साइज बॉटल. एंड लेट मी जस्ट शो यू द बॉटल, इट लुक्स लग्जूरियस. लाइक ये बॉटल लिटरली 10K 15K प्लस जो परफ्यूम्स होते हैं बिल्कुल वैसी लगती है. सो दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक, वेरी वेरी प्रिटी एंड लग्जूरियस. AK058 गेम ऑफ फेम. The fragrances are very much influenced by oud, like आपको जैसे oud and इत्र होते हैं ना, इसकी कहीं ना कहीं वैसी वाली इंटेंसिटी है, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी. सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. मैं इन सबकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज़ चेक कर लेना. कमिंग टू इंस्टाग्राम स्टोर्स लैश स्मॉल बिजनेस शाउट आउट, इस मंथ के जो मेरे दो फेवरेट पेजेस रहे हैं, नंबर वन इज दिस पेज बाय द नेम ड्रिपिंग इन जूल्स. मैं इनकी अनबॉक्सिंग अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर ही डाली थी, और उसके बाद से मैं इनके सारे जो पेंडेंट्स हैं ना पहन रही हूँ अपनी यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर. आपने हार्ट वाला देखा होगा, स्मॉल, ये सनफ्लावर वाला, ईविल आई वाला, मैं एक इमेज यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगी जिसमें आपको क्लियरली विजिबल होंगे. आई लव इट. ये काफ़ी यंग मेरे एक फॉलोअर हैं, और ये आपके साइज के हिसाब से ही बना देंगी. लाइक शी कस्टमाइजेज ज्वेलरी, सो अपने हिसाब से कुछ भी एड ऑन, कुछ भी रिमूव करवा सकते हो, विच नाइस. आई थिंक आपको ऐसे इंस्टाग्राम पेजेस को भी सपोर्ट करना चाहिए. नेक्स्ट इंस्टाग्राम स्टोरीज बाय द नेम ऑफ एक्सोटिक फुल, ये भी ऐसी ज्वेलरी बनाते हैं, स्क्रंचीज बनाते हैं. उन्होंने मुझे बहुत सारी स्क्रंचीज सेंड करी है, जो मुझे काफी पसंद आई. मैं यहाँ पे पिक्चर भी इंसर्ट कर दूंगी. मैंने बाय द वे अपनी इंस्टाग्राम पेज पर ना हाईलाइट डाल दिया है, IG स्टोर / स्मॉल बिजनेस का. वो हाईलाइट जाकर चेक करना, आपको सारे मेरे प्रीवियस वाले दिख जाएंगे. बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि कोई अगर मेहनत से कुछ ना कुछ छोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर रहा है ना, दे डिजर्व द काइंड ऑफ अटेंशन दैट वी कैन गिव, एटलीस्ट फ्रॉम आवर पार्ट. में जितना कर सकती हूँ वो उतना करूंगी. सो आप वो हाईलाइट जाकर चेक कर सकते हो, आपको डायरेक्ट पेजेस के उनके लिंक्स मिल जाएंगे. सो उस वाले स्टोर में से, एक्सोटिक फुल में से, मुझे ये काफी पसंद आया. अगेन ईविल आई, वेरी प्रिटी स्काई ब्लूइश सॉर्ट ऑफ कलर की, मुझे काफी अच्छी लगी. इनकी स्क्रंचीज भी मुझे काफी अच्छी लगी क्वालिटी वाइज. सो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू बोथ द पेजेस, मैं नीचे लिंक कर दूंगी.
Now coming to the last segment, which is favorite moment of the month. अब से future में जितने ही favorites बनाऊंगी ना, मैं उसके अंदर ये segment जरूर include करूंगी कि पूरे month का मेरा कौन सा favorite moment रहा है. So July month का has to be unboxing and seeing my silver play button. मैंने June favorite जब film किया था, मैंने उसी अंदर ये include किया था. And this has to be my favorite moment of July month. And I hope future के भी मैं जो अच्छे-अच्छे moments होने वाले हैं ना, वो ऐसी growth, happiness से fulfilled होंगे. So I'm very very excited. And that is it for my July favorites video. Please मुझे नीचे comments में बताना कि आपको ये format अच्छा लगा है, नहीं लगा, as in जिसके अंदर मैं category wise favorites बताती हूँ, या फिर आपको ऐसे ही random favorites देखना पसंद है, मुझे बता देना, मैं next month से आपके हिसाब से उसको implement कर दूँगी. So I hope you like this video. इन सबके links, जो भी details होंगी नीचे description box में मिल जाएंगी, वो सब आप देख लेना easily. And do follow my Instagram for more quick updates and reviews. बहुत सारे giveaways चल रहे हैं, चलते रहेंगे. अभी currently जो giveaway था मेरा Instagram store के साथ, gift house के साथ, वो शायद खत्म हो जाएगा जब तक ये वीडियो जाएगी, इसलिए मैंने बोला इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, बिकॉज वहां हमेशा अच्छे अच्छे गिवअवेज चलते रहते हैं. एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.